करने आई हूँ। झूठ बराबर तप नहीं कानी। देखा आपने कि भाई झूठ भी बोलना चाहिए, पर इस प्रकार की झूठ की किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, है ना। झूठ ऐसे बोलना चाहिए कि किसी के जीवन से खिलवाड़ ना कर सके, किसी के जीवन को मार ना सके, किसी को दुख ना पहुंचा सके, है ना। उस झूठ और झूठ ऐसे इस प्रकार बोलना चाहिए कि झूठ पकड़ा भी ना जाए, जिस प्रकार यहाँ पे लेखक गोपाल प्रसाद व्यास जी ने कहा। आप झूठ बोलिए, पेज नंबर आपके 44 सेकंड पैराग्राफ देखिए। आप झूठ बोलिए और फिर बोलिए, लेकिन भाई मेरे तनिक सफाई के साथ, तनिक सफाई के साथ। इसी को दुनियादारी कहते हैं, इसी में सफलता छिपी है। झूठ बोलना भी एक कला है, एक महान आर्ट है। इसकी महानता के आगे चित्रकारी के रंग फीके हैं। चित्रकारी जो चित्र बनाते हैं है? वो भी फीके पड़ जाएंगे अगर आप झूठ बोलते हैं एकदम सफाई से, किसी को पता भी ना चले। ये कला है ना, इस प्रकार की कला एक चित्रकारी के सामने भी छोटे पड़ जाएंगे। जिससे सत्य को पा लिया उसने परमेश्वर को पा लिया, एकदम गलत। संगीत का स्वर बेसुर है और कविता के चंद निरर्थक। लोग कहते हैं कि जिसने सत्य को पा लिया उसने परमेश्वर को पा लिया, एकदम गलत। बात सही यह है कि जिसने झूठ को पा लिया उसे कुछ और पाना शेष नहीं। झूठ परम तत्व है, अजर अजर अमर है, सनातन है, निर्विघ्न है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है, भेद अभेद से परे है। मेरा मत है कि आजकल बिना झूठ के शरीर रूपी गाड़ी जीवन दलदल को पार नहीं कर सकती। हर जगह हर कीमत में हमें झूठ तो बोलना ही पड़ता है। झूठ बिना बोले हमारी भेड़ा पार नहीं हो सकते, अर्थात हमारे कोई भी काम किसी भी क्षेत्र में नहीं बन सकते। उदाहरण चाहिए, उदाहरण चाहिए तो मान लीजिए आप किसी दफ्तर में बाबू हैं, आप किसी ड्यूटी है ना, दफ्तर में आप बाबू हैं। बाबू भी ऐसे कि नेक नियत के सबूत में फाइलों पर झुकते झुकते आपकी गर्दन खम खा गई, लेकिन आपको चाहिए 4 दिन की छुट्टी। निहायत जरूरी काम आप पड़ा है, काम भी ऐसा जिसे टाला ना जा सके। आपकी पत्नी के भाई के लड़के को जुकाम हुआ है, ऐसा झूठ, वह बेचारा हरदम छींकता रहता है। आपकी उनके भाई आवाज सब परेशान है, भावा सब परेशान है, उनके आने वाले खत हमेशा छींकों से भरे रहते हैं। पत्नी का कहना है कि इस हालत में अगर हम बच्चे को देखने नहीं गए तो रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी। पति के कहने पर कहते हैं कि अगर हम इन हालत में उनको अगर देखने नहीं गए तो हमारे रिश्तेदारी में दरार पड़ जाएंगे। आदमी को अपनी नाक का ख्याल नहीं तो वह आदमी नहीं, इज्जत है ना। लेकिन आत्मीयत के इस सच्चे मामले मसले को अपने अर्जी में लिख कर बड़े बाबू को भेज कर तो देखिए। सत्य बोलने को आज जन्म लाचार हो सकता हूँ, इस जन्म में तो क्या अगर अगले 7 जन्मों तक भी छुट्टी मंजूर होकर आ जाए तो क्या अगर आपने तो क्या अगर अगले 7 जन्मों तक भी छुट्टी मंजूर होकर आ जाए, ऐसी जगह आपको फर्म खोलना ही पड़ेगा, जैसा कि मैं और मेरे साथी बाबू करते हैं। पड़ोसी डॉक्टर की जेब में 50-50 के 2 नोट डालते हुए कहा जाए, डियर डॉक्टर एक सर्टिफिकेट तो बना दे। ओ डॉक्टर भी इस फंड में कम होशियार ना निकला, है ना। इस प्रकार के झूठ झूठ काम झूठे काम करने में डॉक्टर भी कम होशियार नहीं थे, करते थे इसीलिए। ऐसा मालूम होता है कि बाबू को जोर का सर्दी का अटैक हुआ है, दोनों फेफड़े भरे हैं, इन्हें 1 सप्ताह का आराम और इलाज की सख्त जरूरत है। लीजिए आपने मैदान मार लिया, उसमें हम जीत गए और डॉक्टर ने बना दी मेडिकल सर्टिफिकेट। बस के लिए 10 रुपए का नोट किसी लड़के को देकर अर्जी दफ्तर रवाना कीजिए और आप ससुराल का टिकट कटवाइए। अगर ससुराल का पानी अलग लग जाए और श्वशुर गृह निवासम स्वर्गतुल्यम नृणानम उक्ति सही बात हो तो 50-50 के 2 नोट डॉक्टर को और थमाइए, फिर लगाइए 1 सप्ताह और गोता, है ना।
हफ्ते और ज्यादा छुट्टी बढ़ा लीजिए। कोई पनडुब्बी आपको नहीं खोज सकती और कोई अकल का कच्चा यानी सच्चा इस महान सच को झूठ साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर के द्वारा दिए कि ये बीमार थे। मेरे अपने साथ घटी एक घटना लीजिए, व्यास जी उनके साथ घटित एक घटना यहाँ पाठकों को पेश करते हैं। एक बार जब मैं बच्चों के साथ घर को लौट रहा था तो मुझसे भी ज्यादा किसी होशियारी ने मेरे जेब से मनी बैग साफ कर दिए ना, उनके पॉकेट से टिकट रुपए आदि सब कुछ उसी में था। नई दिल्ली स्टेशन पर उतरा तो होश खाफ था, पुलिस सामान लेकर गेट की ओर चल रहा था। बीवी बच्चे दिल्ली लौट आने से खुश थे पर मेरी उंगलियां जेबों को कुरेद रही थी कि हाय राम अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने हाथ डाला तो जेब में पर्स गायब थे। दो तीन मिनट इस गम में डूबा रहा कि टिकट का चार्ज तो दूर, इस कुली को क्या दिया जाएगा। लेकिन जिंदगी भर झूठ का गले लगाया था, झूठ बोलने का मैंने फैसला ले लिया था। मैं झूठ बोलता था ऐसे समय, आखिर उसने उबार ही तो लिया, उस झूठ ने मुझे बचा लिया, उस झूठ के उपाय से मैं बच गया। मैं आगे आगे बोल लिया, गेट पर आकर टिकट कलेक्टर को सुनाते हुए जोर जोर से ना बा अदब कहा, आइए इधर से आइए। क्यों भाई साहब साफ नहीं आए, पत्नी से पूछते कि क्यों भाई साहब साफ नहीं आए, मुझे तो तार तो तुम्हारा मिल गया था, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। श्रीमती जी पहले तो ये रंग ढंग देख कर चौंकी कि अचानक मेरे पति क्यों बोले जा रहे हैं, हम तो साथ आए थे। वो चौंकी पहले तो, लेकिन फिर भी तो आखिर मुझ प्रमाणित असत्य भाषी की अधर्म पत्नी थी ना, वो भी जानते थे मेरे झूठ को, झूठ कब बोलते हैं और किस प्रकार है ना उसका साथ दिया जाए, वो जानती थी, वो भी समझ गए। स्टेशन पर जीजा जी आ ही जाएंगे, संभल कर सवाई होकर बोली। उन्होंने भी पत्नी ने भी साथ दी, उनके कोर्ट में कोई जरूरी मुकदमा था, मेरे पति ना आने का उनके कोर्ट में कोई जरूरी मुकदमा था। कहने लगे तार तो दे दिया, स्टेशन पर जीजा जी आ ही जाएंगे, चलिए आओ, पर गाड़ी में आजकल बड़ी भीड़ रहती है, फर्स्ट क्लास में भी आदमी का भुर्ता बन जाता है ना, अच्छे जगह भी अगर टिकट कटवाया या फर्स्ट क्लास में भी अगर टिकट कटाया जाए तो भी आदमी मर जाता है इतना भीड़ होने के कारण। टिकट कलेक्टर बेचारा रॉब में आ गया था, पीछे पिक्चर आप देख रहे हो ना, वो रॉब में आया था टिकट मांगने के लिए, लेकिन ये मुकदमा वाली बात सुन के है ना, उस उन दोनों की वार्तालाप सुन के उसने साझा किसी जज की बहन है, उसने सोचा कि वो औरत किसी जज की सच्ची में बहन है और मुझे कांग्रेसी एसीपी को बही है। टिकट मांगना तो दूर, वहां अदब से एक तरफ खड़ा हो गया, जान बची और लाखों पाए। मेरा ख्याल है अगर मैं सच्चाई से काम लेता तो कहीं ना कहीं का ना रहता, अगर मैं हकीकत बता देते कि मेरे पॉकेट से किसी ने मेरे पर्स चुरा लिए, अगर मैं सच्चाई बता दे तो शायद मैं बच नहीं सकता, अगर मैं सच्चाई से काम लेता तो कहीं का ना रहता। यह झूठ बोलने का ही एक प्रताप है कि आज मेरी जान बच गई। इसीलिए तो कहता हूँ झूठ बराबर तप नहीं, और दावा ठोकता हूँ उस गीत बनाने वालों पर जिसने यह झूठ लिख मारा कि झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरिए, यानी व्यास जी गोपाल गोपाल प्रसाद व्यास जी सरासर इस गाने के पंक्तियों को झूठ मानते हैं कि ये गलत है ना, ये गलत है असत्य है। झूठ तो क्या है, झूठ बराबर तप नहीं, और दावा ठोकता हूँ उस गीत बनाने वालों पर जिसने यह झूठ लिख मारा है, है? झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, ये गलत बताया है लेखक, कहते हैं कि ये सरासर झूठ है ना, ये गाना जिन्होंने लिखा है सरासर झूठ है, क्योंकि झूठ तो हम बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और पकड़ा भी नहीं जाता, जिस प्रकार लेखक के साथ घटित घटना ने हमें बताया। चलिए बच्चों, आपको शब्द अर्थ करना है और शब्द अर्थ आपको करना है ना, याद करना है, उसके साथ साथ आपके जितने भी अभ्यास है ना प्रश्न है वो हमेशा की तरह आपके कक्षा अध्यापिका के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। धन्यवाद।